कोरोना काल के दौरान प्रवासी लोगों का काशीपुर में लगातार आना जारी है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सतर्कता बरतता दिखाई दे रहा है। लेकिन काशीपुर प्रशासन आधी अधूरी व्यवस्थाओं के साथ ही लोगों की जांच के लिए कदम उठा रहा है, जिससे कोरोना वायरस पर रोक लगाना संभव नहीं है। बता दें कि काशीपुर में सूर्य चौकी बॉर्डर पर प्रतिदिन हजारों लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से पैदल और निजी वाहनों से आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने सभी बॉर्डर पर लोगों की कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दिए थे, जिसके चलते आज काशीपुर में उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैपिड टेस्टिंग किट की मदद से संदिग्ध लोगों की कोरोना टेस्ट की जांच करना शुरू कर दिया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम मात्र 10 किट को लेकर लोगों की कोरोना जांच करने के लिए तैनात कर दी गई है। राज्य के चिकित्सक मनु पांडे ने बताया कि रैपिड टेस्टिंग किट की मदद से 15 मिनट में जांच पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल और होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिससे कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसमें हमने पहले भी इसमें आवाज उठाई थी कि सरकार से कि ये बॉर्डर पे ही इन्हें चेक होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये जो कदम उठाया अच्छा उठाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने हमारी मांग को जो माना है, हम इनके सरकार के इसमें मैं अच्छी पहल बताऊंगा। अगर ये लोग पहले से ही इसे यहाँ पर चेकिंग करते इसकी कोरोना वायरस की, तो इतने केस जितने केस आज यहाँ पर हो गए इतने केस हो नहीं पाते। बाहर का प्रवासी मजदूर जितना परेशान हो रहा है, इस टाइम अगर इनकी चेकिंग वहीं पर हो जाती तो शायद ये यहाँ पर पुनरावर्ती जो कोरोना वायरस उत्तराखंड में बम की तरह फट रहा है, ये यहाँ पर शायद मौजूद नहीं हो पाता। हाँ, ये रैपिड कार्ड आज ही हमारे पास आया है। इसमें जो बाहर से जो लोग बाग आ रहे हैं दिल्ली महाराष्ट्र से, उनकी यहाँ पर रैपिड जांच करी जा रही है, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट में वो जांच हो जा रही है, उसके बाद हमने हम अस्पताल भेज दे रहे हैं जहाँ पर वो होम क्वारंटीन या बाहर क्वारंटीन सेंटर में चले जाएंगे। 15 मिनट में आ जाती है, उसके बाद ही फिर हम उन्हें आगे की कार्रवाई करते हैं, अस्पताल भेज देते हैं। जहाँ इसका उद्देश्य यह है कि जितने लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी एक रैंडम सैंपलिंग हो जाए यहाँ पर, और कंफर्म टेस्ट उसका क्वारंटीन सेंटर में।